लेकिन अलमारी नहीं अलमारी अलमारी डेंट डेंट थी अच्छा, तो ये उनको पड़ जाता बेचारे का तो फिर क्या होता है बहरहाल डोमेस्टिक डिस्प्यूट डोमेस्टिकोमेटिके आपकी तबीयत ठीक है अलहमद आपने क्योंकि अब कल अनाउंस किया है क्या कि आपकी सर्जरी होने वाली है कहाँ किया है ऑन द स्पॉट की जो कल किस गई है की है है? मैंने? जी उसमें आपने अनाउंस किया हाँ. तो अब मेरे पे वाजिब कि मैं पब्लिक लिए आपकी हेल्थ अपडेट्स देता लेकिन होपफुली जब तक ये एपिसोड रिलीज होगा, उस वक्त तक मैं होपफुली घर आ चुकी हूँ बाबा तौर पर आप उम्मीद है मुझे ऑपरेशन टेबल पे आप चलाते रहना फिर असल फिर आप किसको पकड़ेंगे अच्छा, खुदा खुदा का खौफ करें लेकिन ये है कि फिर आप कर ले एक पोस्ट डाल दिएगा सब के लिए सबकी तसल्ली के लिए हॉस्पिटल से जो भी मतलब या होश में आने के बाद होश में आने के बाद ठीक है एक पोस्ट आके लोगों को भी हौसला और तसल्ली हो मैंने बड़ा लोगों ने मुझे कहा कि तुम जा रही हो मेरी सर्जरी है तो आराम करो मैंने कहा पहले क्यों आराम करूं मतलब

फिर हम आपसे जरूर बात करेंगे पीसा की नॉमिनेशन के बारे में कल पीसा वॉर्ज की एक्चुअली आप को, मंदे मंदे को को पीसा की नॉमिनेशन आई फीडबैक आया वो पॉजिटिव आया सो वी आर वेरी हैप्पी आपका बहुत शुक्रिया की आप लोगों ने पर्सनली रीच आउट करके अप्रिशिएट किया है क्यूँकि मेरा ताल्लुक टीवी नॉमिनेशन से ही था

उसको भी ऑफकोर्स हम एड्रेस करना चाहेंगे एल एस ए में क्या टाइम लाइन है पीसा की क्या है और बहुत सारे आप लोगों के कंसर्नस आ रहे हैं कि अलिफ एद वफ़ा और ये दिल मीरा को क्यों नहीं नॉमिनेट किया तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे और पीसा में एक चीज़ और लेकिन डिस्क्लेमर हमने डाल दिया था कि बिकॉज दे वर इरोनसली नॉमिनेटेड लास्ट ईयर टाइम लाइन थोड़े ईयर तो वो क्योंकि कर चुके थे इसलिए वी नॉमिनेट अगेन उस पर भी लोगों का तबसरा आया कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में एक दो नॉमिनेशन थे सारे नहीं थे तो खैर हाँ, उसके ऊपर हम आप आप डिस्कशन करेंगे दूसरा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पीसा की जो सारी जूरी है उनसे हमारी बड़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग डिवेलप हो गई है तो हम कोशिश ये करेंगे सोशल मीडिया की जो कैटेगरी है उसके ऊपर बड़ा बहुत ओवरवेलमिंग एक उसके ऊपर भी ज्यादा ही रिस्पॉन्स और फीडबैक आया है तो मैं पर्सनली चारों के वकार जका के साथ बैठ के एक बैठक हो और उनके भी इनपुट क्योंकि सोशल मीडिया का जो पोर्टफोलियो था वो उनके पास था तो उनसे भी डिस्कशन हो और उनसे पूछा जाए क्यों ना आप ये करें व्हाइल आई एम इन द हॉस्पिटल एंड यू कैन एक्चुअली डू दिस नहीं अल्लाह खैर करे आप एक ही दिन बाद वापस आ जाएंगी तो ये प्लान है मेरी वक़ार से बात चल रही है इनशाला तो वो भी करेंगे फिर कोशिश करेंगे कि म्यूजिक की भी एक सेटिंग हो म्यूजिक की जो कैटेगरीज हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन हो एब्सोल्युटली अली वापस जा चुके हैं अमेरिका अली राज जूरर हैं मगर आ, राफे के साथ आई थिंक की जा सकती है और फैशन पे आप और मलिया अगर करें वो भी मेरे ख्याल में लोग उसको पसंद करेंगे तो कोशिश करेंगे हर बार अवार्ड होते हैं एल भी होते हैं हम अवार्ड भी होते हैं हम स्टाइल अवार्ड भी होते हैं आईपा भी होते हैं पीसा भी होते हैं बट लोग हमेशा कन्फ्यूज ही रहते हैं कि नॉमिनेशन का प्रोसेस है क्या जूरी पे कौन लोग हैं और जूरी के मेरे ख्याल में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि जूरी जो है वो प्राइवेट हो पब्लिक अपने नाम कर नहीं सकती एज लॉन्ग एज देर ऑल विलिंग टू डू इट तो तो ख्याल ख्याल में पीसा में पीसा uh, uh, भी चुका है मेरी है Transparency है बड़ी फ्रेंडली डिस्कशन डिस्कोर्स अगर करें लोगों के फीडबैक के साथ तो वो लोग भी इंजॉय करेंगे आज का हमारा बहरहाल जो टॉपिक है एक नहीं वो तीन टॉपिक्स हैं पहला टॉपिक या इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर निदा जी आ, मेरी तो जैसे मैं हमेशा कहता है, तो ने, नेबर, नेबर हैं भी है, और निदा की एक और कंट्रोवर्सी जो है वो चल पड़ी है सोशल मीडिया के ऊपर मेरे ख्याल में उसके ऊपर छोटा सा एक कमेंट जरूरी है इन वन पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट आई वांट टू टॉक अबाउट दैट इज वेल देन ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही करीबी फिरोज खान साहब गए ताबिश के शो में और वहां पे उन्होंने एक दो स्टेटमेंट्स ऐसी पास की जिसके ऊपर काफी सोशल मीडिया के ऊपर एक कॉन्वर्सेशन कोई इतना मेजर कंट्रोवर्सी तो नहीं हुई कंट्रोवर्शियल बात तो नहीं थी बट क्यों उसके ऊपर भी बात हो रही थो, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी एक किया तो मुझे समझ आई कि उन्हें ली मुझे लगा जैसे वो ठीक हो गया वो वासे था वासे। का थोड़ा सा का जो ह्यूमर है ना वो ज्यादा चौधरी

जी आमना जी हसन किस टॉपिक से आप शुरू करना हैं निदा से आप शुरू करें निदा से शुरू करें अच्छा निदा का एक इंटरव्यू है 2016 में उन्होंने कुछ मैंने एक्चुअली बहुत कोशिश की कि मैं वो इंटरव्यू देख लूं मैं दरिया के खोजे में बंद करूं करें निदा इज एक्चुअली द मीरा ऑफ मॉर्निंग शोस किया कि नहीं किया कर लिया कर लिया बस लेकिन ये ले मीरा के लिए क्यों इतना लोग ये कहते हैं नो बिकॉज़ इसलिए कहते हैं बिकॉज़ आई हैव आल्सो नोन मीरा फॉर गुड 20 इयर्स नाउ इफ नॉट मोर मीरा बी थ्राइव ऑन देंशन दैट शी गेट्स एंड जब वो कुछ कर रही होती हैं ऐसी बात बोंगी मार रही होती हैं तो उनको पता नहीं होता कि वो बोंगी मार रही हैं जैसे लिटरेचर फेस्टिवल पे बोलेंगी फिल्म फेस्टिवल पे हूँ एंड यू नो शिव कुछ और पहना होगा किसी और डिज़ाइनर को क्रेडिट कर देंगी तो शी एक्चुअली डज एन नो बट एंड शी रियली नो जर टू मिल्क इट और उनकी जो रेपूटेशन है इतने सालों में जो एक मीरा आइडेंटिटी है वो

बिल्कुल भी रिसर्च नहीं था तो इसमें ऑब्वियसली कोई दो की बात नहीं है इट्स क्वाइट ऑब्वियस उन्होंने रिसर्च नहीं किया था और ये है हमारे बहुत सारे होस्ट हैं हम भी इंटरव्यूज करते हैं तो अगेन किसी के ऊपर हम ये आ, फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर रहे बट जनरली जो हम देखते हैं बहुत कम ऐसे होस्ट होते हैं जो उतनी एफर्ट करें रिसर्च करें कि जिस टॉपिक के ऊपर बात करें या जिस सेलेब्रिटी के ऊपर बात करें वो तो है लेकिन आमना मुझे ये अक्सर ऐसा फील होता है कि कुछ हमारे सेलिब्रिटीज हैं वो अब इजी टारगेट भी बन गए कुछ हर से पहले निदा ने एक पोस्ट किया था बच्चे अपने बेटे के बारे में कि उसके हेयर कट के ऊपर ट्रोल्स किसी को भी नहीं छोड़ते तो एक हद तक मैं इस बात से तो अग्री करता हूँ कि अगर प्रेजेंट डे सिनेरियो में किसी ने अगर कोई फोपा किसी से हो गया है और वो उनकी रिसर्च में कमी थी तो श्योर उसको पॉइंट आउट करना उसका क्रिटिसिज्म बिल्कुल जायज है

उन्होंने जो कहा कि बिल्कुल ठीक है मुझे रिसर्च करनी चाहिए थी और मैं नहीं थी और मैं कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल सही है मगर वो एक्चुअली वो ऐसी गलतियाँ बंगियाँ वो कंसिस्टेंटली मारती हैं वो कोई वन ऑफ नहीं है अब इसमें मेरी राय बिल्कुल फ़र्क है मेरी राय फ़र्क ये है कि निदा जो है ओबियसली शी इज़ नॉट अ वेरी वेल रिसर्च शी इज़ नॉट सम्बडी हु रिसर्च इज हर प्रोग्राम उनका जो शो होता है वो कोई बहुत ऐसे डीप या बहुत इंटेलिजेंट उस पर दैट इज़ नॉट द यू एस पी ऑफ हर मॉर्निंग शो राइट

दोनों इसमें उतने ही शामिल हैं। But ये तो फिर थ्रैशिंग। uh, I mean well. आप किसी ड्रामे का बैठ के अच्छा रिव्यू करेंगे बहुत कम ड्रामे ऐसे हैं जिस पर लोग यूनिमसली आर लाइक ओ वी लव इट हम तीन साल से ये काम कर रहे हैं आई थिंक अभी एक परिजाद

जो मिर्च मसालों के लिए exactly. <laughs> एहसन खान का शो लोग देखते हैं कि कौन सा आर्टिस्ट आके क्या भंड मारेगा बेसिकली इफ आई मे यूज दैट टर्म दैट बेसिकली इट कि अच्छा तो इस हफ्ते सदफ और शरोज आए हैं अच्छा अब ये इसमें क्या कहते हैं कोई हेडलाइन निकल सकती है कि नहीं इट्स नॉट लाइक कोई कितना अच्छा काम कर रहा है या कोई इंटेलेक्चुअल किसी लेवल पे कोई गुफ्तु कर रहा है या कोई अच्छा ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर रहा है नो no. नहीं वो तो ठीक है निदा एक पर्टिकुलर ऑडियंस uh, को टारगेट करनी है और उनके एक uh, जो टाइम स्लॉट है उस पे वो आ आग... ये वही टाइम स्लॉट है जिस पे ओपरा विनफ्रे शो चलता था लुक एट द मेरिट ऑफ द ओपरा विनफ्रे शो इट वाज आल्सो अ मॉर्निंग शो डायरेक्टेड टुवर्ड्स वुमेन यू मे टर्न योर फोन ऑफ राइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स वुमेन बट लुक एट द टॉपिक्स दैट वर डिसकस्ड एंड हाउ सीरियसली दे वर टेकन एंड हाउ रेवोल्यूशनरी दे वर and 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 she would get the 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 Jennifer Aniston and all these people on show 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 as well rating but generally it was a very seriously taken show, problems discuss hmm. that is also ठीक हैं मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ current scenario में कुछ किया हो तो बिल्कुल जायज है बट पुरानी क्लिप पे yeah, मैं मैं celebrities की भी ये बात but करता हूँ मेरा आप सारी बातें ठीक है मेरी कंटेंशन सिर्फ ये और ये बहुत सारे और सेलिब्रिटीज के साथ भी होता है कि उनका पुराना कोई स्टेटमेंट उठा के क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग तब्दील भी हो जाते हैं वो चीज़ें सीख भी जाते हैं उनके ओपिनियंस भी चेंज हो जाते हैं अब हसन की कोई मैं सिर्फ इस एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि हसन की कोई चार साल पुरानी अगर आप बात निकालेंगे तो आपको बेशमत भी बे, मिल जाएगी

और उन्होंने तो, तो काफी लोगों ने कहा सारी बातें ठीक थी आज मैंने कुछ मीम्स ऐसे देखे और मुझे लगा यार बिचारी के साथ इतना भी अब क्या यार ठीक है हो गया नहीं होना चाहिए था लेकिन को बिचारा नहीं होना चाहिए आपके पास इतनी इतनी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपको इतना बिचारा नहीं होना चाहिए ठीक है 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 ये बात है। बात है। दूसरी बात दूसरी हम करेंगे और यासिर के बारे वासे अच्छा यासिर। हुआ ये कि यासिर ने कोई इंटरव्यू दिया मेरे ख्याल में मैंने जो उनका देखा था वो ट्रिब्यून के ऊपर उनका एक कोट लगा हुआ था कोट ये था यासिर का

ये जवानी फिर नहीं आनी जैसी फिल्म अभी भी नहीं किया था कोई देखने में। कौन किसको आनी और नहीं फिल्में थी। लोहर लोहर से आगे भी अच्छी थी जो पहली नहीं नहीं थी। अच्छी थी बुरी नहीं थी और उसमें यासिर की अदाकारी वाली जो थी उसमें तो यासिर नहीं था पहली वाली में तो था यासिर नहीं भाई ओहो पहली जो तो हाँ हाँ

ऐसा बोला कि कोई देखने ना जाता तो मेरे गलत फिर भी कोई देखने जाता तो तो मेरे मेरे ख्याल ख्याल में गलत फिर भी नहीं <laughs> मैं, नहीं नहीं लेकिन इस बात से किया तो किया जा सकता ये जो चांद एक बड़ी फिल्में आई हैं हमारी जिन्होंने काफी क्राउड को किया है उससे फायदा जरूर हो रहा था हमारी इंडस्ट्री का बहुत सारी ऐसी भूल थी, जाते हैं दो फिल्में ऐसी आई थी

जिसमें आपकी नाम आलूम अफराद है एक्टर इन लॉ है आपकी और कौन सी है लोड वेडिंग है एग्जैक्टली एक्टर exactly. इन लॉ लोड वेडिंग तो ये है मैं, मैं इस बात इस मैटर के ऊपर इसलिए भी बात करना चाहता था शान का भी एक अच्छा स्टेटमेंट आया अभी उन्होंने बोला है कि यार कि सिनेमा इज अ लॉस्ट कॉज अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड पिछले दो सालों से जैसे कि आपको पता है अभी हम अवार्ड्स की अगर बात करें तो पीसा पे भी, भी फिल्म की कैटेगरी नहीं है एल एस ए भी नहीं है इट्स रियली अनफॉर्चुनेट दो सालों से फिल्में आ नहीं रही पाकिस्तान में hmm. और जो उससे भी ज्यादा हमारे लिए अनलकी या अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे पास वो ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स नहीं है इंडिया की बहुत सारी फिल्में जो है ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स पर आ गई हैं हॉलीवुड की फिल्में आ गई हैं तो हमारी फिल्में हमें पता है कि काफी काफी तैयार ऐसी फिल्में जो तैयार पड़ी हैं वगैरह नहीं आप चलते नहीं ना उनकी इतनी रीच नहीं है नहीं तो है। मेरे ख्याल में जो एक जितना पैसा लगता है एक फिल्म में वो प्रॉफिटेबल नहीं रह जाता होगा शायद कि वो आईफ्लिक्स पे डाल दें तो आ, या आईफ्लिक्स का इतना बजट नहीं होगा कि वो फिल्म खरीद सकें तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत करके बहुत सारी फिल्में बना के रखी हुई हैं Uh, मोहिब से भी उस दिन मेरी जब बात हो रही थी उन्होंने बोला उनकी फिल्म भी बिल्कुल तैयार है लगा के देखे अगर मगर मैंने ये भी सुना की थर्टी से टावा टावा सिनेमा खुलना शुरू जुलाई से सुन रहे हैं जून जुलाई से सुन रहे हैं फिफ्टी परसेंट से खुल जाएंगे देखें सिनेमा कभी तो खुलेंगे

और उनकी तो थिएट्रिकल फिल्म्स होती हैं यू नो लार्जर देन लाइफ विद द सेट्स एंड द कॉस्ट्यूम्स एंड द सॉन्ग्स एंड ऑल ऑफ दैट अगर वो अपना छोटे स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सोचने अच्छा ये हमने बड़ी लंबी एक डिबेट है मैं इसके बारे में स्पेशली अब सिंस वी हैव स्टार्टेड द बियॉन्ड बॉर्डर वाला एक प्रोग्राम है सोच भी रहा था ये इतना सिंपल नहीं है कि बस कोई फिल्म मेकर OTT के लिए बनाना शुरू कर दें ये एक बड़ी लंबी एक हिस्ट्री है बॉलीवुड की या हॉलीवुड की जब उन इतना कंटेंट वो चर्न आउट कर रहे हैं उनकी इतनी ऑडियंस बन गई है कि अब वो अफोर्ड कर सकते हैं यार के कमर्शियल सिनेमा के साथ साथ या एक जो आपका आ, वो क्या कहते हैं वो जो ट्रेडिशनल सिनेमा है उसके साथ साथ आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी बनाना शुरू कर दें बिकॉज ओ टी प्लेटफॉर्म्स की भी इतनी ऑडियंस इंडिया की बिलियन से दो बिलियन के करीब पॉपुलेशन में इतनी उनकी ऑडियंस बन जाती है कि वो देख सकें पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली अगेन नेटफ्लिक्स के नंबर्स हमारे सब्सक्रिप्शंस क्या हैं हमें नहीं पता हवा में तीर चलाने के मुतरद है हमें पता ही नहीं है कि कितनी सब्सक्रिप्शंस कितने उसके बेसिस के ऊपर आप ये डिटर्मन भी नहीं कर सकते कि कंटेंट कितना देखा जा रहा है कितना नहीं देखा जा रहा देन ऑन ऑन टॉप ऑफ एल्स नेटफ्लिक्स हैज विद पाकिस्तान एनी तो अब ये जो आयशा उमर के एक बन रही आई थिंक फॉर दिस ये यासिर वाली फिल्म के बारे में आयशा ने बोला कि शायद ये नेटफ्लिक्स पे जाएगी

ही हैज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड सो जैसे एक पॉइंट पे फिरोज सीरियस हो गए वो उस बात को शेख वाली बात को लेके कि उन्होंने कहा कि यार और ये अच्छी बात है फिरोज ने भी इसका इजहार किया काफी लोग उनका इस बात पे मजाक उड़ाते रहते हैं कि शेख ने यूं कह दिया तो ये हो गया तो उन्होंने कहा यार कि दिस इज समी पर्सनल टू मी एंड आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट इट Hmm. कि hmm. रियक्ट किया था खली

बल्कि आपके इंटरनेट पोल्स और जो मेजॉरिटी है आपकी वो भी खलील रहमान कमर साहब से ही अग्री करती है तो मैं भी उन्हीं के साथ अग्री करूँगा ये कोई ऐसी कोई आ, अजब बात नहीं है इसके ऊपर आपका क्या तबसरा <laughs> मतलब कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इन दिस कंट्री, तो पोल्स विल बी प्रो खलील कमर एंड नॉट देंटलिस्ट इट्स वेरी एंड से मगर uh, कहाँ से उनका नैरेटिव चल रहा है कहाँ से आ रहा है वॉट्स बिहाइंड इट इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वॉट द कॉज इज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एंड साइमल्टेनियसली खलील रहमान कमर का जो नैरेटिव है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अब टू से दैट मारवी सरमर एक्टिविस्ट अच्छी नहीं है नहीं, नहीं वो बहुत अच्छी एक्टिविस्ट है या टू से के खलील रहमान कमर राइटर अच्छे नहीं है नहीं वो राइटर बहुत अच्छे हैं मगर अगर आप पोल की बात करेंगे तो ऑबियसली मोर मैन हुआ ऑन लाइन एंड मोर पीपल विल अग्री विद वॉट ही सेंग

उन्होंने कहा कि मुझे मेरे शेख ने नहीं ये बात बोली थी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ था कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे बोला कि तुम अदाकारी करना छोड़ दो hmm. मैं एक दिन उठा मैंने मारवी सरमत की एक स्टेटमेंट देखी एंड आई हैव गॉट सो अपसेट दैट आई सेड कि डूड दिस इज इट बट शी इज नॉट पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सो आई डोंट नो दिस इज व्हाट ही सेड सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट फिरोज इज सेइंग हियर बिकॉज़ मारवी इज नॉट पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री

या, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने का और फिर वाप ये ये एक तरह से उनके साथ अब जुड़ गया है और कि मैं कह सोचते हैं ऐसे और फिर वो रिवर्स कर देते हैं तो उनकी थॉट प्रोसेस ही ऐसी है। think, मैं क्या कहूं? I mean, मुझे तो लगता है जैसे सारे बच्चे हैं ना दूसरी चीज है कि मीडिया ट्रेनिंग हसन हमारी है ही नहीं बिल्कुल ना

आप हर चीज बतानी जरूरी नहीं होती हर चीज अपने बारे में और फिर आप लोगों से कहें कि भी मुझे मत प्रोप करें तो जब आप दे रहे हैं इंफॉर्मेशन तो लोग प्रोप करेंगे सो वीडिस्ट डोंडल मीडिया ठीक है ठीक है अच्छा इस, इसी कॉन्टेक्स में मैं बात करना चाहूँगा बड़े लोग हमसे पूछ रहे कि हम इंटरव्यूज आज कल क्यों नहीं करें एक चीज़ मैंने और रामला ने बड़े कॉन्शियसली हमने शुरू दिन से ये डिसाइड की थी कि समथिंग हॉट की यूएसपी उसके इंटरव्यूज़ नहीं होंगे हमारा जो प्लेटफॉर्म का जो विजन है वो ये नहीं है कि हम एक इंटरव्यू प्लेटफॉर्म बने और पहले दिन से इंटरव्यूज़ है अरे बाय प्रोडक्ट जो हम काम कर रहे हैं जो हमारा फोकस है वो इसेंशली इस चीज के ऊपर है कि इस इंडस्ट्री में जो ड्रामा जो इंडस्ट्री में क्या फिल्मों या ड्रामों या फैशन में जिस तरह का काम हो रहा है उस काम को बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए उस तनाजुर में यस इंटरव्यूज दे दे आर हैपन वी डू देम और हम एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इंटरव्यू करते हैं हमारा ये इरादा नहीं होता कि यार कि सेलिब्रिटी को पकड़ के कर लो हफ्ते के हमने दो इंटरव्यू निकालने निकाले हमारा ये कभी आइडिया नहीं था हैविंग दैट ऐसी बात नहीं है कि हम इंटरव्यूज करना छोड़ रहे हैं हम नहीं करें अभी भी हम करेंगे और अभी भी ऑलरेडी एज वी रिकॉर्ड दिस वीडियो देर आर अ फ्यू इंटरव्यूज लाइंड अप जो हम जरूर करेंगे और उसके साथ साथ जैसे जैसे ड्रामे आएंगे बट आर इंटरव्यूज नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्टेक्ट हम उन सेलिब्रिटीज को बिठ... बुला के बिठाना चाहते हैं जिनका ड्रामा करंटली ऑनर हो जिनका कैरेक्टर कोई इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव या इन विच एवर वे कोई ना कोई इम्पैक्ट रख रहा हो ऑडियंस के ऊपर जी लोग कहते हैं जी आप पे ये इल्ज़ाम है कि आप लोग जो है वाले सिर्फ स्टार्स को इंटरव्यू करना चाहते हैं और जो एक्चुअल आर्टिस्ट उसको नहीं करते है। ये तो बड़ी ज्यादा की बात है मेरे ख्याल में आप हमारा अगर रोस्टर देख लें जो हमने इंटरव्यूज किए हैं पिछले छह महीनों में अगर आप उठा के देख लें और एक बात तो यह है कि अच्छा आप स्टार्स को करते और एक्टर्स को नहीं करते दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा स्टार है इसका मतलब एक्टर नहीं है

तो साठ तो स्टार्स हैं भी नहीं पाकिस्तान में yeah. और हमने तो कभी इसमें डिफ्रेंशियट किया भी नहीं है हम हमेशा to to table, exactly. हमारा आपने जो भी इंटरव्यूज देखे होंगे वो शौक नहीं है कि उनकी जिंदगी में उन, उनका क्या है हमारा उनके काम से लेना देना है और हमने इसी वजह से और काम का भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है ए, अगर कोई ड्रामा कोई पीक कर रहा हो या याद जब सारा और फलक को उनकी शादी के बाद तो वो भी वो बड़ा मजा आया एक न्यूज वर्दी आ, एक, आ, उस वक्त एक आइटम था कि उनकी आ, बिल्कुल शादी हुई और वो एक फैशन शो कर रहे थे बट समथिंग मेन मकसद इंटरव्यूज करना नहीं

कर सकते हैं मैं और आमना कलेक्टिवली अब इनशाला मिलेंगे आपको बियॉन्ड बॉर्डर्स की एक और बड़ी जबरदस्त एपिसोड के साथ कल फ्राइडे को मिलेंगे इनशाला विद हॉट रिव्यू तब तक के लिए खुदाफिज